ओम शांति। संगम योग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग है। संगम युग पर ही प्रभु मिलन होता है। ये संगम युग भगवान से सम्मुख मिलने, बातें करने का समय, उनको देखने का समय, संगम युग पर प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। प्यारे बाप दादा ने मुझे स्वमानों की माला पहनाई है। स्वमानों की इस माला का आज का मणका है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्वदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन करना, स्वयं का ही चिंतन करना, स्वस्वरूप पर एकाग्र रहना, दूसरों को देखते हुए उनके मस्तक में चमकती हुई मणि को देखना, शिव भगवानु वाच है, जब तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो तो सारे संसार को सुख के वाइब्रेशन मिलते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और माया पास भी नहीं आती। बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। जो स्वदर्शन चक्रधारी है उन्हें विजय चक्र स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्वदर्शन चक्र अर्थात अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन। बाबा ने हमें पांच स्वरूप की रूहानी ड्रिल सिखाई है। तो चलिए अपने पांचों स्वरूपों का गहराई से चिंतन, दर्शन व अनुभव करते हैं। अपने अनादि निराकारी स्वरूप को देखें। मैं शांत स्वरूप आत्मा
चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। परम धाम शांति धाम मेरा असली घर है। ये लाल सुनहरी प्रकाश का देश मेरा स्वदेश है। यहाँ पर मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को सर्वशक्तिवान से मिली सर्व शक्तियों की किरणें दे रही हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आदि देवता स्वरूप मैं सुख स्वरूप संपूर्ण निर्विकारी आत्मा अपने देव स्वरूप में स्थित हूँ। मेरा यह देवता स्वरूप अति सुंदर श्रृंगारित है। धरा पर 2500 वर्ष सुख शांति में राज्य है। इस राज्य में संपूर्ण पवित्रता सुख शांति व संपत्ति है। मैं विश्व महाराजन श्री नारायण विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के साथ राज सिंहासन पर विराजमान हूँ। बहुत सुंदर दरबार लगी हुई है। सब देवी देवताओं के चेहरे पवित्रता से चमक रहे हैं। सब देवी देवताएं मुस्कुरा रहे हैं। इतना सुंदर स्वर्ग यहाँ प्रकृति भी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में है। हवा भी चलती है तो जैसे मधुर संगीत सुनाई देता है। पांचों तत्व सुखदाई हैं।
सब देवी देवताएं डबल ताजधारी डबल सिरताज है, संपूर्ण सुख की दुनिया पूज्य स्वरूप इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप मैं पवित्र आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में मंदिर में विराजमान हूँ। मैं अष्ट भुजाधारी इष्ट देवी हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। संकट मोचन हनुमान के स्वरूप में मेरी पूजा हो रही है। भक्तजन मेरे दर्शन मात्र के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। भक्तजन मेरे स्वरूप का मूर्ति का हार व फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। अपने को दुखों से मुक्त कराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी पूज्य मूर्ति से नैनों से वरदानी हस्तों से निकल रहे पवित्र वाइब्रेशन की सकाश भक्तों की शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। भक्तों को मूर्ति द्वारा इष्ट देव देवी स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। ब्राह्मण स्वरूप स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा संगम पर मुझे ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म दिया है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा राजयोगी तपस्वी स्वरूप में स्थित हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरा ये ब्राह्मण जन्म देवताओं से भी श्रेष्ठ है। मैं परमात्म पालना में पल रही हूँ। स्वयं भगवान परम शिक्षक मुझे ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य दे रहे हैं। वाह रे मैं, वाह मेरा इतना ऊंचा भाग्य, वाह मेरा मीठा प्यारा दुलारा बाबा, वाह ये अलौकिक परिवार, वाह ड्रामा वाह।
फरिश्ता स्वरूप, मैं परम पवित्र विश्व कल्याणकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूँ। डबल लाइट, आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट। मेरे फरिश्ता स्वरूप से चारों ओर पवित्रता की लाइट माइट फैल रही है। मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब पर बैठ पांचों तत्वों सहित सारे संसार को पवित्रता के वाइब्रेशन दे रहा हूँ। सर्वात्माएं पवित्रता, सुख शांति, परमात्म प्रेम, परमात्म शक्तियों का अनुभव कर रही है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी फरिश्ता पुनः संगम युग पर अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। मुझे बाप दादा के महावाक्य याद आ रहे हैं। बाबा ने कहा, जितना हम परदर्शन से मुक्त रहते स्वदर्शन करते हैं, उतना ही हमें अंदर से सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। और जितना हम स्वयं आनंद में, अतिंद्रिय सुख में रहते हैं, उतना ही औरों को भी सुख और आनंद का रसपान कराते हैं। हम सुख सागर के बच्चे हैं और सुख सागर के बच्चों का कर्तव्य है सबको सुख देना। अगर मैं किसी को दुख दूंगी तो मुझे सुखदाता की संतान कौन कहेगा? ये तो मेरे रचयिता पर सवाल खड़ा कर देगा। इसलिए मुझे सबको सुख देना है और सुख लेना है। हे प्रिय तपस्वियों, तपस्या में बेहद आनंद है। जितना हम इस आनंद में डूबते जाएंगे, उतना ही दुनियावी क्षणिक आनंद फीका पड़ता जाएगा और इसी परमानंद को, तपस्या के आनंद को बाबा मोलाई मस्ती, अतिंद्रिय सुख कहते हैं। जितना हम इस मोलाई मस्ती में आएंगे, परमानंद की स्थिति में रहेंगे, उतना सारे संसार को हमारी मनसा वाचा कर्मणा से सुख व आनंद की प्राप्ति होगी।